ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे क्वेश्चंस में सिचुएशंस है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लेकर आना है, जिससे इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो सके। हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना है, बस इस तरह की इक्वेशंस को लेकर आने हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कंडीशन दिया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। जो लेंथ है ब्रेथ के दोगुने से, यानी कि ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ के लिए ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, देखिए जो फाइंड आउट करना होता है अक्सर हम वही मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट्स द ब्रेथ ऑफ प्लॉट मान लेते हैं प्लॉट का ब्रेथ जो है x मीटर है, ठीक है, और लेंथ क्या होगा इसका, ठीक है। अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट 2x प्लस वन, दोगुना से एक ज्यादा, तो 2x प्लस वन हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो जो इसका एरिया है 528 है और लेंथ इसका क्या है 2x प्लस वन और ब्रेथ कितना है x है, तो 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में देखा जाए तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इसको इस साइड लेकर आते हैं, माइनस 528 इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास आए, ये लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर देगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है, ब्रेथ है प्लॉट का, और जब ब्रेथ निकल जाएगा तो लेंथ भी निकल जाएगा, तो बोल सकते हैं हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट सैटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, जो हमारे पास आया है, तो चाहे तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें सिर्फ सिचुएशंस दिखाना है, और क्या बोल रहा है इस सिचुएशन दिखाने के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो लगातार हो, टू के बाद थ्री, इस तरह से फाइव के बाद सिक्स, कोई भी हो सकता है, कि दो ऐसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिसका प्रोडक्ट है 306, ठीक है, तो वो इंटीजर हमें चाहिए, लेकिन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ उसका इक्वेशंस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं लेट्स द फर्स्ट इंटीजर्स मान लो पहला इंटीजर जो है वो x है, ठीक है, तो नेक्स्ट तो उससे अगला होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी मान सकते थे, डजंट प्रॉब्लम, माल ठीक है। देयरफोर द सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस वन, हेंस
अगर इसकी प्रोडक्ट देखा जाए, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट x और x प्लस वन, और प्रोडक्ट हमारे पास दिया है क्वेश्चन के अनुसार प्रोडक्ट कितना दिया है 360 इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 360 इक्वल टू जीरो। तो यही जो इक्वेशंस है वो क्या है, इस कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट करेगा। तो हम चाहे तो स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, चाहे तो नहीं दे, हमारा तो सोल्यूशंस हो गया, यानी कि हमारे पास क्या पूछेगा इक्वेशंस लेकर आने, तो हमने इक्वेशंस ला दिए, ठीक है। चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर सटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें भी सिचुएशन दिखाना है, लेकिन इसमें क्या सिचुएशन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, आज से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट है, मोहन और मोहन की मदर का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ठीक है। तो उनकी रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, इसी हमें इक्वेशंस बनाना है जिससे उसकी प्रेजेंट एज फाइंड हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं, हमने पहले भी बोला था कि जो चीज फाइंड आउट करना होता है वही चीज हम मानते हैं। मान लो लेट्स रोहन एज, ठीक है, एक्स ईयर, रोहन का एज कितना है एक्स ईयर है, देयरफोर मदर एज एक्स प्लस 26 ईयर, ओके। उसकी मम्मी का एज जो है, उसकी माता का एज, उसकी मदर का एज उससे 26 ईयर बड़ी है, तो ऐड कर दिए। तो अब देखा जाए आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, अगर 3 साल के बाद देखेंगे कि रोहन का एज में क्या परिवर्तन आएगा, आज जितने साल का है उससे 3 साल बड़ा हो जाएगा और क्या। तो रोहन एज अगर हम देखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, तो एज प्लस 3 ईयर्स ये हो गया। अगर रोहन की मदर का एज देखेंगे, ठीक है, वो भी जितनी साल की हैं उससे 3 साल और बड़ी हो जाएंगी, तो एन मदर एज एच प्लस 26 थी, 3 और बड़ी हो गई, कितना हो गया एच प्लस 29 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनकी प्रोडक्ट जो है 360 है, यही तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज क्या होगा एच प्लस 3 इंटू एच प्लस 29, 26 प्लस 3 29, क्या दिया हुआ है अपने को 360। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे क्या है एच स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87, ठीक है, ये इधर को आएगा। तो एच स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या आया कि एच स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू जीरो।
तो जो ये इक्वेशंस आया, यही इक्वेशन जस्टिफाई करेगा, इसी इक्वेशंस के हेल्प से हम रोहन का एज निकाल देंगे, एज का वैल्यू आ गया, रोहन का एज आ गया, ठीक है। तो आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द एज ऑफ रोहन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ए ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चलते रहता है मान लेते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर दी जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जितना अभी समय ले रहा है उससे 3 घंटे का अधिक समय लेने लगा, तो हमें उसकी स्पीड फाइंड करना है, ऐसा इक्वेशंस बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मान लो कि लेट्स द स्पीड, ट्रेन का जो यूजुअल स्पीड है वह है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है। हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस क्योंकि दिया है जो हमें पता है कितना है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो ये हो गया, स्पीड ये हो गया, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 480 बाय एक्स, इतना घंटे का समय लगेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, मान लो कि उसकी स्पीड को हम क्या किए, डिक्रीज किए। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, देन टाइम टेकन, अगर उसकी स्पीड कम कर देंगे तो स्पीड तो कम हो गया, पहले था एक्स अब हो गया एक्स माइनस, अगर न्यू स्पीड की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया। और हमें क्या निकला, कितना टाइम लेगा, तो अगर टाइम की बात करेंगे तो स्पीड डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर ही, लेकिन जो स्पीड है वो कम हो गया, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा लग रहा है, जैसा कि क्वेश्चन बोला है, ठीक है, 3 घंटा का समय लग रहा है, यानी अभी जो समय है, ये जो समय है न्यू टाइम जो है, ठीक है, वो इतना लग रहा है, और पुराना टाइम जो है वो इतना लग रहा है, तो ये नया वाला टाइम जो है इससे 3 घंटे अधिक है, तो माइनस की एज कॉल टू 3, तो 480 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच माइनस 8 ए 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एच माइनस 8, तो ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 3, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 8x² - 8x 3/480, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h² - 8x इक्वल टू 1280, तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर इसको इक्वेशंस को देखा जाए तो h² - 8x - 1280 = 0, तो ये जो इक्वेशंस आया वो स्पीड को, ठीक है, द स्पीड
ऑफ ट्रेन सेटिस्फाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यानी ये इक्वेशन जो है इसकी स्पीड को फाइंड आउट करेगा, इसका वैल्यू निकाल देंगे, हो गया स्पीड, ठीक है। तो 4.1 में इतना ही क्वेश्चन था, मात्र दो क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट में एट था, सेकेंड में फोर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम 4.2 NCERT का सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।